काफी घिसैला स्नेक है ये, लगभग 4 फीट तक ये उछल के काटता है, तो उससे दूरी बना। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत और स्वागत है धर्मेंद्र स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आए हैं भैया घर, मनोज भैया घर। मनोज भैया जगह बताइए ये वाला। ये बंगलापाड़ा में आता है। बंगलापाड़ा पूरा शहर एरिया है और यहाँ पे सांप निकला है चकधर नगर बंगलापाड़ा में। तो कौन सा सांप है देखते हैं और निकालते हैं, वीडियो में बने रहिए। बता रहे मनोज भैया कि पहले यहाँ सांप देखा गया था और वहाँ पे साफ सफाई चल रहा था, तो वहाँ चला गया है सांप, अभी दिख रहा है। तो देखते हैं कौन सा सांप है, निकालते हैं। दो से तीन दिन तक यही घूम रहा है, तो सांप यही घूम रहा है और बच्चे हैं वहाँ पे और रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है। तो दिखाते हैं कौन सा सांप है, निकालते हैं, वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे सांप देखा गया है, तो काफी देख रहे हैं, काफी जंगल है यहाँ पे। नर्सरी था भैया, कब से ये बंद पड़ा है क्या नर्सरी को? नर्सरी वो चालू है, घर का पीछे हिस्सा है, ये बाड़ी है समझिए। अच्छा बाड़ी है, और यहाँ पे ये यहाँ पे सांप है, ये पौधा के पीछे में। तो देखते हैं कौन सा सांप है, निकालते हैं, वीडियो में बने रहिए। देखा नहीं स्टिक को। और यहाँ पे रसल वाइपर स्नेक, ऐसा जगह में रसल वाइपर निकलना देख सकते हैं दोस्तों, शहर पूरा शहर के एरिया में। दोस्तों ठंडी का मौसम है, बिल्कुल बचा के चलना है ठंडी के मौसम में। और यहाँ पे अजगर समझ रहे थे इस सांप को, और यहाँ पे रसल वाइपर स्नेक। तो निकालते हैं, वीडियो में बने रहिए, ग्लव्स लगेगा इसके लिए। देख सकते हैं दोस्तों दोनों हाथ में ग्लव्स लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे इतना जंगल था, मैं पहले से समझ रहा था कि कोई जहरीला सांप ही होगा, तो उसके लिए पहले देखें बढ़िया से, फिर उसका रेस्क्यू करें। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप, एशिया का नंबर वन है ये, एशिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है रसल वाइपर, इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है दोस्तों। और इतना जहरीला सांप निकलना दोस्तों, शहर के बीच में भी ऐसा सांप निकल जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये पता नहीं कुंडली मार के बैठा है ये। और ये कभी भी डबल में रहते हैं दोस्तों, काफी वीक साइज का भी है लग रहा है ये। अच्छा चेहरा इधर है, देख सकते हैं, ठीक है चेहरा इधर है इसका, इसलिए बिल्कुल ही ये लगभग 4 फीट तक उछल के काट सकता है दोस्तों। देख सकते हैं ये रसल वाइपर स्नेक दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज का है दोस्तों। अब इसका विष दंत काफ़ी बड़ा होता है, इस सांप को कभी भी देखे तो दूरी बना के रखें दोस्तों, काफ़ी मोटा है ये, लगभग 4-5 फीट का सांप है। निकालते हैं दोस्तों, गुस्सैला है दोस्तों। हाँ कभी भी ये जो दो रहते हैं रसल वाइपर, इसने कभी भी डबल रहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसको, इसका पहचान ये चैन जैसा आकार बना रहता है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों काफी मोटा बड़ा और कुछ खाया हुआ है रसल वाइपर स्नेक, लगभग 5 फीट का है। अभी 2 दिन पहले इसका रेस्क्यू किए थे दोस्तों, इसका आवाज देख सकते हैं कुकर की सीटी टाइप में, अगर ये गुस्साता है तो ऐसी आवाज निकलता है, देख सकते हैं। गुस्सैला है ये सांप, काफी गुस्सैला सांप है ये दोस्तों, एस टाइप में बनाता है, मतलब खतरा, जब ये सांप एस बनाए तो इसका पास ना आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों काफी गुस्सैला स्नेक है ये, लगभग 4 फीट तक ये उछल के काटता है, तो उससे दूरी बना कर रखें दोस्तों। बाहर ले चलते हैं और इसको पैक करेंगे, कोई छेड़ डब्बा भी है, डब्बा कहाँ है, खोल के रख लीजिए ना अबे, तो डब्बा खोल के रख ले। देख सकते हैं दोस्तों ये घर में रखोगे,
ये रसल वाइपर एशिया का सबसे नंबर वन सांप है, ये जहरीला में बहुत ज्यादा विष दंत सबसे बड़ा होता है इसका। कोई शहर में ये मिलना बहुत मुश्किल है। बताइए पहले इसको रेस्क्यू कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं इसको। सांप है क्या फोन करो ना, बताएंगे क्योंकि ये जहरीला सांप है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग। इसके बारे में डब्बा में भर के ही रेस्क्यू इसके बारे में जानकारी देना अच्छा रहेगा। लगभग 5 फीट का है ये एशिया का नंबर वन पे सांप है। ये एशिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है और इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है। हीमो मतलब ब्लड में, ठीक ना। और ये बच्चा देता है, सब सांप अंडा देते हैं, ये बच्चा देता है लगभग 40 से 45 और इसका 20 दिन सबसे बड़ा होता है। तो ऐसा सांप दिखा, अगर ये क्या है, नर है मादा है? अब ये तो अभी नहीं बता सकता मैं, तुरंत रेस्क्यू किए और इसको पकड़े, क्योंकि ऐसा सांप को हम लोग ज़्यादा देर तक मतलब पकड़े नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये लगभग 4 फीट तक उछलता है ये सांप और काटता है। तो ऐसा सांप दिखे तो दूरी बना के रखें दोस्तों। अगर कोई भी सांप काटता है तो एक ही इलाज होता है, स्नेक एंटी वेनम। तो इसको ले चलते हैं जंगल में, रिलीज करेंगे। वीडियो में बने रहिए। एक तो खिला मंगा लीजिए ना ऑक्सीजन के लिए। प्रिंट देखिए, आप अभी वीडियो देख रहे थे, अजगर का प्रिंट थोड़ा सा मोटा होता है बड़ा में। और इसका देखो चैन टाइप में बना हुआ है डब्बा। आवाज़ देखिए इसका, बहुत ज़्यादा आवाज़ रहता है, जितना ज़्यादा अभी तो कम है इसका। आवाज़ करता है कुकर का सीटी टाइप में, कुकर जो बजता है उसके टाइप में आवाज़ करता है। जितना छेड़छाड़ करेंगे उससे ज़्यादा आवाज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मतलब दूर से ही पहचान के देखिए ये बाइट कर रहा है। ये बहुत आवाज़ है, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है ये। नाक से भी ज्यादा जहरीला सांप है ये, यही सांप है। ये सांप काटेगा तो शरीर सड़ने लगेगा, गलने लगता है। अगर नाक काटेगा तो नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। अभी मिला है, मैं तो दोपहर का लंच करने आया हूँ और मेरे को अचानक बना है कि नहीं, अजगर है बोले। वो बोला चलो पकड़ते हैं, वो झड़ी दिख रहा था जो टाइप का है। अब मैं गया हूँ, देखा हूँ, मैं बोला रसल भाई पर तुरंत, मैं बोला अब बिना एक्सपर्ट के तो काम बनेगा नहीं। अभी रेस्क्यू भी कर रहे थे, उसका चेहरा किधर था, गर्दन कहाँ था और इसका पूंछ कहाँ था समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों बराबर रहता है, पूंछ भी मोटा रहता है। लेकिन एक काम करेंगे क्या, एक बार और सर्च कर लेंगे। ये 3 दिन पहले देखे हैं, मेरे को बताया। चलिए आज देखते हैं कहाँ पे है, निकालते हैं। आज तो ये तो मेरे को सुशील बताया। अरे विनोद दे तो बाइक को दे, मैं हाथ में मम्मी को पानी दे। कहाँ है, दो ही सांप ज्यादा निकलेंगे, एक रसल वाइपर और एक अजगर। सबसे ज्यादा सांप निकलेंगे इन लोग, और लगभग अभी तक रसल वाइपर ये दूसरा है इनका। अभी ठंडी में नहीं, बच्चा वच्चा अभी नहीं दिया है सीजन, अब देखना पड़ेगा कब रहता है सीजन, लेकिन अभी बच्चा नहीं दिया लग रहा है। और यहाँ पे देख लिए दूसरा सांप नहीं दिख रहा है, तो चलते हैं इसको रिलीज करते हैं, सांप को छोड़ते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए इतना बड़ा साइज का है, और इसको जब रेस्क्यू करते हैं तो काफ़ी घबराहट रहती है कि काट ना ले, तो इसका नाम भी भूल गए थे बोलना वहाँ पे। तो इसी को चित्ती बड़ा पतल चित्ती, महाराष्ट्र में घोनस और इंग्लिश में रसल वाइपर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसको छोड़ते हैं दोस्तों, काफ़ी डरा हुआ है ये लग रहा है, लेकिन छोड़ते हैं दोस्तों। काफ़ी जहरीला सांप है ये रसल वाइपर। इसमें काफ़ी उछल के काटने वाला सांप है ये दोस्तों। अगर इसको रिलीज करते हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोस्तों, चुपचाप जाने देंगे दोस्तों। देखते हैं, काफ़ी बड़ा साइज का है दोस्तों ये, आराम से चला गया।